अनदर ब्लॉग। तो आज जो ब्लॉग है मैंने इवनिंग से स्टार्ट किया है। आई थिंक अभी 5:30 बज रहे थे, तो मैं बस इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ जो हमारा ब्लॉग है ये। और आज मेरा ना पता नहीं फेस जो था बहुत ज़्यादा ही जल रहा था, मतलब इतना हीट फील हो रहा था ना कि मैंने वॉश किया अपना फेस। उसके बाद बहुत सारा मॉइस्चराइज़र जो है अपने फेस पे, बिल्कुल फ्रीजर वाला, वो मैंने अपने फेस पे लगाया। और यहाँ पे एक लिपस्टिक मैं लगाने आई जो कि थोड़ा सा न्यूड कलर है और घर में लगा लेती हूँ, तो उसका जो पूरा मतलब लिपस्टिक है वो आराध्या ने पूरा का पूरा यहाँ वहाँ ड्राइंग कर दिया है, इस वजह से उसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ था। और उसके बाद रेडी होके मैं चली गई थी मार्केट। तो वैसे मार्केट जाने का कोई प्लान नहीं था सब्जी लाने का, बट आराध्या ने ऐसे एकदम से जिद कर दिया कि मम्मा मुझे पापा के साथ बाज़ार जाना है। फिर उसके चक्कर में मुझे जाना पड़ा क्योंकि मैं अकेले उसको नहीं छोड़ सकती थी, इस वजह से। बहुत ज़्यादा ही गर्मी, इतनी गर्मी है ना कि बता नहीं सकती, मतलब खुद का फेस भी समझ में नहीं आ रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो वैसे मौसम आज थोड़ा सा अच्छा है, बाहर हवा बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी बहुत है। बस मन कर रहा है कि जल्दी से भगवान कुछ कृपा करे और बारिश हो जाए अच्छे से, तो टाइम वेस्ट किए बिना मैं फटाफट जल्दी से खिचड़ी डाल देती हूँ। तो ये है वो दाल और चावल, इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद कुकर में डाल देती हूँ। तो आज है शनिवार यानी सैटरडे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं खिचड़ी बना लूँ, वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और गर्मी इतना ज़्यादा है ना कि मन ही नहीं कर रहा कुछ बनाने का। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल शॉर्टकट में खिचड़ी बना लेती हूँ और फिर वही चढ़ा दिया। और जैसे ही मैं खाना बना रही थी तभी आराध्या एंड जो पति देव थे मेरे वो आ गए, क्योंकि ये लोग रुक गए थे, मैं ऊपर आ गई थी और ये लोग कुछ सामान लेने लगे, डेयरी प्रोडक्ट। और शुगू को एकदम से बनाना खाना था और क्या कहते हैं आइसक्रीम खाना था, तो बस वो लेके आ गए हैं यहाँ पे। और इसकी एक्साइटमेंट देखो, बनाना के पीछे कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, मतलब कभी भी कोई सा भी इनका जो होती है ना फरमाइश इनकी हो जाती है। और यहाँ पे छाछ लेके आए थे और आइसक्रीम लेके आए थे, क्योंकि मैंने भी बोला था कि आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। छाछ और इसमें है आइसक्रीम। कौन सा आइसक्रीम है? मैंगो बार। Did you tell me thank you? Do you like banana? Yes, I like. Do you like chaach? No. Speak loudly. Do you like chaach? Do you like chaach? और किसी बात पे हमारी मतलब एक बहस हो गई थी, तो उसके बाद मुझे दो दो आइसक्रीम मिल रहा है कि कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को ना ऐसा होता है कोई आर्गुमेंट करने के बाद ना मेरे आँख में आंसू आ जाता है, तो मैं बस कुछ आंसू भी थे और कुछ मेरे फेस पे ना पसीना भी था, तो मैं उसको क्लीन करने गई थी, तो पति देव को लगा कि रोने लग गई है, तो उन्होंने फिर आइसक्रीम देना स्टार्ट कर दिया कि एक नहीं दो दो खा लो तुम। और यहाँ पर शुगू आ गई थी कि पापा बनाना मुझे छील के दो, तो उसको सिखा रहे थे कैसे पील ऑफ करना है। और जब तक मेरा खाना रेडी हुआ, जब मैं खाना लेके आई थी, मैंने देखा यहाँ पे पतिदेव सो चुके थे, तो फिर उनको उठाया। और आज मैंने बनाया था खिचड़ी आलू का चोखा, जो बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है, कच्चा प्याज डाल के। एंड उसके बाद जो पापड़ होता है वो, तो खिचड़ी के साथ तो पापड़ चाहिए, और यहाँ पर छाछ भी था और शुगू को लगी थी प्यास, तो उसने पानी की जगह छाछ ही मतलब एक गिलास पी लिया, और उसको इतना ज़्यादा कोल्ड है, उसके बाद भी दही छाछ से हम उसको नहीं रोक सकते हैं क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और आजकल हम हॉल में ही सोते हैं, तो बस मैं आ गई हूँ सोने के लिए, और सोने से पहले मैंने अपने बालों को जो अच्छे से गूँथ लिया है, क्योंकि ऐसे सोते टाइम ना उलझ जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और आजकल मैंने एक दुपट्टा रख रखा है जिससे मैं अपना हमेशा फेस क्लीन करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता रहता है। तो अब मैं जा रही हूँ, पहले एक व्लॉग है उसको एडिट करूँगी, उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी। तो बस यहाँ पे सोने की तैयारी चल रही है, और खाना खाने के बाद किचन वगैरह क्लीन वगैरह सब कुछ हो गया था, बट मैंने पानी नहीं पिया था तो पानी भी पी लिया है मैंने। तो मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट डे।
हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, यानी कि है आज है संडे और अभी टाइम आई थिंक 11:30 बज रहे हैं और मैं नहा के आ गई हूँ, पूजा वगैरह भी हो गया और पीछे थोड़ा बेड पे कपड़े हैं जो तय लगाना था, लेकिन मैंने सोचा पहले नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद घर का काम तो होता रहता है। और मौसम आज मतलब इतना अच्छा बोल सकते हैं लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि मौसम वैसे ही गंदा सा गर्मी लग रहा है, बट बाहर आई थिंक सुबह से ही बारिश हो रही है। और आपको थोड़ा सा मैं व्यू दिखाती हूँ कि कैसा है। और आज संडे है बट पति देव को ऑफिस जाना ही पड़ा क्योंकि छुट्टी था उसके बावजूद, तो मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा आपको व्यू कि कैसा लग रहा है बाहर। तो अब ये आप देख सकते हैं कि बारिश मतलब कंटिन्यू हो रही है, लेकिन बारिश तो कंटिन्यू हो रही है लेकिन गर्मी वैसे का ही वैसा है। तो थोड़ा सा मैं पहले बाहर का दिखाती हूँ आपको। गए ऑफिस और आज तो वैसे संडे है लेकिन छुट्टी नहीं था, उनको जाना पड़ा। तो मैंने आज ब्रेकफास्ट में चीले और चाय उनको दे दिया था और आज मैं उठी भी बहुत लेट थी, आई थिंक 9:15 बज रहे थे और वो रेडी हो गए थे नहा वहा के, फिर फटाफट जल्दी से एक तरफ चाय डाला, एक तरफ वो जल्दी से जो उसका बैटर है वो रेडी किया और जल्दी से बना के लेकिन दे ही दिया। अगर ऐसा होता नहीं कभी कभार कि नहीं दे पाए तो कितना मन में वो होता रहे यार कि मतलब थोड़ा सा अगर जल्दी उठ जाते तो चलो ब्रेकफास्ट वगैरह करके चले जाते। तो चले गए हैं और यहाँ पे शुगु को मैंने सुबह सुबह उसके बालों में बहुत सारा तेल डाल दिया है क्योंकि इसके बाल बहुत ज़्यादा रफ हो रहे थे और ये नहाई भी नहीं है अभी, और इसको मैंने ऐसे पोनी कर दिया है पीछे और मैं नहा के आ गई। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर काकुन देखेगी, आराध्या देखेगी काकुन। क्या देखोगी आप? काकुन। तो मैं किचन में आ गई हूँ और जल्दी से पहले मैं फटाफट जो चीले हैं वो बना लेती हूँ क्योंकि मैंने अपना जो चीले का बैटर था वैसे ही छोड़ दिया था, और बस मैं अपने लिए बनाऊंगी और एक बनाऊंगी शुगु के लिए। तो चलो जल्दी से बना के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो गया है और मैंने शुगु के लिए सॉस को कुछ ऐसे कर दिया ताकि वो खा ले, और यहाँ पे चाय भी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो फटाफट पहले हम अपना जो ब्रेकफास्ट है वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है और क्या 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 कर पाते हैं क्या नहीं। आ जाओ शुगु। आप आ जाओ। तो लंच करने के बाद मतलब ब्रेकफास्ट लंच आप बोल सकते क्योंकि 12 तो बज गए थे, आई थिंक 11:12 बज रहे थे। तो उसको खाने के बाद फिर उसको क्रेज चढ़ा के उसको बॉल खेलना है मेरे साथ, और मुझे सिखा रही थी बीच बीच में कि मम्मा ऐसे खेलो वैसे खेलो। उसके बाद जितने भी इसके अंजर पंजर निकले हुए कुछ टॉयज हैं जो कि मैंने बाहर रख रखे हैं, बाकी तो मैंने अंदर रख दिया है, उसके साथ खेलने बैठ गई और मैं जाके सो गई हूँ। और फिर बगल में देखा तो वो भी आके सो चुकी थी। उसके बाद मुझे लग गई बहुत ही जो कि भूख, और आई थिंक अभी 4 या 5 बज रहे थे और ब्रेकफास्ट लंच दोनों एक ही बस चीले खा रखा था मैंने। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और अपने लिए बना रही हूँ मतलब हमारे लिए। मुझे इतनी तेज़ की भूख लगी है ना कि मैं सही बताऊँ ताकत मतलब कहते हैं ना बॉडी में ताकत नहीं आ रही, एनर्जी नहीं आ रही है कि मतलब इतना भी एनर्जी नहीं है कि मैं उसको बना दूँ। तब मन करता है कि हाय कोई घर में होता फिर एकदम से ऑर्डर करते जैसे मम्मी को बोलते थे ना। एक्चुअली टुडे आई एम मिसिंग माय मम्मा, मैं एक्चुअली अपनी मम्मी को बहुत याद करती हूँ आज स्पेशली, क्योंकि जब भूख लगती थी ना तो ऐसा बोलते थे मम्मी कुछ बना दो, वो वाली फीलिंग आ रही है। अब हम खुद एक मम्मी बन गए हैं, एडिट का काम कर लेते हैं और एडिट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाती हूँ।
ये यहीं पे सो गई है और इसने पूरा क्या कांड कर रखा है। सबको फिर समेटना पड़ेगा। शुभो हुई हो आप, ये नीचे में ही सो गया। एक्चुअली जब से गर्मी आई है ना, हम हमेशा नीचे में ही सोते हैं ना बेटू। गुड मॉर्निंग हो गया है, यानी शाम हो गया। उठो, मैगी बना रही हूँ मैं। चोनू चोनू मैगी बना ली हूँ मैं। तू कब बड़ा होगा, तू कब बड़ा होगा, मम्मा को मैगी बना के कब खिलाएगा? तो कब हेल्प करोगी? बड़ा तो हो गया, तो इतना बड़ा तो हो गया ना। पता है आपको, मानोगे नहीं, फैन चल रहा था, थोड़ा सा आवाज ऐसा जाएगा, बट कभी कभी मुझे इतना सुकून मिलता है ना कि चलो कभी नहीं कभी तो बड़ी होगी एंड इसमें चाय जरूर बनवाऊंगी, कॉफी जरूर बनवाऊंगी और ऐसी छोटी मोटी भूख लगेगी तो कुछ बनवाऊंगी। तो ये थोड़ा सा सुकून होता है कि चलो आज नहीं तो कल जब बड़ी होगी तो काम जरूर करवाऊंगी, है ना शुकू? काम जरूर करवाऊंगी आपसे मैं। काम मैं करूंगा ही नहीं। क्यों नहीं करोगे? बात आपकी सब कुछ मानूंगा। सुना, बात सारी मानूंगा लेकिन काम नहीं करूंगा। भई आजकल के जनरेशन के बच्चे हैं, ये काम करेंगे। जितना हमने अपनी मम्मियों को कर दिया है ना, ये लोग कुछ नहीं करने वाले। तो उम्मीद नहीं रखना, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए, क्या पता कभी सक्सेस हो जाए। उम्मीद नहीं होगी तो कोई बात नहीं, भाई चल रहा है, हमारी गाड़ी चल रही है, चल रही है, चल रही है। बहुत बोरिंग लग रहा है एक्चुअली, मुझे थोड़ा लग रहा है फैन ऑफ कर देना चाहिए, अदरवाइज आपको आवाज़ क्लियर नहीं आएगी ना। एक्चुअली आज ना बहुत बोरिंग फील हो रहा है, क्योंकि संडे है और मैंने इतना प्लान किया था, इतनी प्लानिंग की थी कि हम इंजॉय करेंगे। नर्सरी में भी जाना था मुझे, कुछ प्लांट्स वगैरह लेके आने थे, क्योंकि अभी वेदर ऐसा है ना कि कोई भी प्लांट्स लगाएंगे तो लग जाएगा। पूरा का पूरा जो मेरा प्लान था ना, फ्लॉप हो गया। तो कभी कभी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जहाँ पे ये जॉब करते ना बैंक वालों का, तो मन करता है कि ना गला पकड़ के मारूं उनको। मतलब सैटरडे संडे ऑफ होता है, उसके बावजूद ये लोग पता नहीं कौन सा ऐसा काम करवाते हैं जो पतिदेव को बुला लिया है। एंड बहुत सारी प्लानिंग थी जो स्पॉइल हो गई है पूरी की पूरी। और आज मैं बोर भी बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ। मतलब मैं इतनी देर से, आज मैंने बहुत भर भर के दो तीन एक्चुअली जो बिग बॉस OTT स्टार्ट हुआ है ना, वो मैंने एपिसोड्स देख लिए। तो उसके बाद टाइम टू टाइम काम भी करा घर का, एक आध ब्लॉग भी था जो भी, वो भी एडिट किया। बट इस वजह से मैं हो गई हूँ, थक गई हूँ और थोड़ी देर के लिए सोई होंगी। मतलब मैंने एक नॉर्मली एक आई थिंक हाफ एन आवर का नैप लिया है बस, और उसके बाद उठी फिर एडिट करने लग गई। और आज हो गया है तो कब करोगे? बिग स्कूल में बाबू, स्मॉल स्कूल का तो होमवर्क कंप्लीट कर लो। अभी नहीं करना तो मेरे दिमाग में कुछ फायदा पड़ेगा कि, तो बात ही खत्म नहीं होती। मतलब कहाँ कहाँ से इमेजिन करके लेके आती है। अब इसने दिमाग बिठा लिया है कि मेरा एडमिशन बिग स्कूल में होगा, तो मैं स्मॉल जो जिसमें मैं अभी जा रही है, मतलब उस स्कूल का मैं होमवर्क नहीं करूँगी, और इस वजह से होमवर्क नहीं कर रही। ये ब्लॉग आपकी मैम भी देखेगी और फिर आपको पिटाई करेगी। तो चलो देखते हैं कि मैगी बन गया होगा आई थिंक, और जल्दी से इसको सर्व करें। बाउल है शुकू का, ये इसमें शुकू खाएगी, कटोरी शुकू का है, और ये है शुकू की मम्मा का। तो मैगी खाने के बाद ये शाम का टाइम है, और यहाँ पे मैं खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ डिनर की यानी, और शुकू का होमवर्क भी करवाना था तो हॉलीडे होमवर्क मिला है। और इसका ये है कि आप बैठो तभी मैं करूँगी, और मुझे बहुत सारा होमवर्क इसको कंप्लीट कराना था, तो बस कंप्लीट करवा रही हूँ। प्लस मैं जो मेरा प्याज टमाटर वो भी काट रही हूँ। तो अब मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।